गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजू हब ऑनलाइन क्लासेज क्लास 12 सब्जेक्ट जूलॉजी चैप्टर 24 टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन मानव का परिसंचरण तंत्र। मानव का परिसंचरण जो तंत्र होता है, इसका कार्य होता है पदार्थों का आदान प्रदान करना। इसके अंदर भोज्य पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका के अंदर बने हुए उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक भेजना, इसका कार्य होता है। डेफिनेशन जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि मानव के अंदर वह तंत्र जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों, इसके साथ में ऑक्सीजन, इसको कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिका से उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने वाला जो तंत्र है वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इसकी खोज विलियम हार्वे, मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र में हृदय के कार्य, हृदय के जो कार्य हैं उनके बारे में सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने 1628 में बताया था। 1628 के अंदर परिसंचरण तंत्र जो है इसके प्रकार दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकंड है क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी का मतलब खुला परिसंचरण तंत्र, और क्लोज का मतलब बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। दो प्रकार का होता है जिसमें खुला परिसंचरण जो होता है, खुले परिसंचरण तंत्र में जीवों के शरीर के अंदर ब्लड जो होता है वो रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता, रुधिर वाहिनियों यानी कि उन जीवों के अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, और रुधिर वाहिनियों में ना बहकर कोशिकाओं और टिश्यूज के मध्य, सेल्स व टिश्यूज इनके बीच बहता है। जिनमें इस प्रकार से रुधिर बहता है उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव है उनमें से मुख्य रूप से कीट, आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं उनमें से मुख्य रूप से कीट, और इसके अलावा मोलस्का, इसमें घोंघे, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सेकंड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र, ये बिल्कुल ओपन के विपरीत है, यानी कि ओपन के अंदर रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता था, लेकिन क्लोज के अंदर रुधिर जो होता है बंद रुधिर वाहिनियों में बहता है। वहां पर शरीर के अंदर रुधिर कोशिकाओं और उत्तकों के मध्य बहता है, लेकिन क्लोज के अंदर सेल्स व टिश्यूज इनके मध्य नहीं बहता। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर कोशिकाओं और उत्तकों के बीच ना बहकर बंद रुधिर कोशिकाओं में वाहिनियों में, बंद रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है, उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण है या उद्भव जो है
वो मिजोडर्म से होता है। मिजो भ्रूणीय मिजोडर्म से इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एनेलिडा, स्तनधारी जो जीव हैं, उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार परिसंचरण तंत्र का इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर परिभाषा, यानी कि वह तंत्र जो पदार्थों का आवागमन करता है, कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन को पहुंचाता है रुधिर के माध्यम से, और कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। हृदय के कार्यों की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की, और इसके प्रकार जो है वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।